हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी। वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस फॉर आइल्स एंड पीटीई। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल बिकॉज इट कंटेन्स 44 मार्क्स ऑफ योर स्कोर। आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन दिस सेक्शन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, ग्रामर रूल्स एंड ऑल्सो वोकैबुलरी वर्ड्स। So in this section you have need to get knowledge about these three categories like grammar rules, vocabulary and understanding of the passage, and do lots of practice and also knows the collocation. Otherwise there is no another trick to solve these questions. So without wasting your time, let's start the video. So your first question is, let's start. Okay, this is your first question. First, understand the meaning of the passes. यहां से स्टार्ट करते हैं रीड करना। A civil war enactment is in a part a memorial service. Enactment means होता है आपका कि कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हुई हो उसको दोबारा से क्रिएट करना, कि जो सिविल वॉर था उसको दोबारा से जब प्ले किया गया वो किसका पार्ट था, आपका मेमोरियल सर्विस का। इट इज़ पार्टली थ्रू ए लेजर एक्टिविटी, वो बहुत ही एक मनोरंजक एक्टिविटी हुई जब उसको दोबारा से रिक्रिएट किया गया। फर्दर मोर द मोस्ट रिनेक्टर्स असर्ट एन एजुकेशनल इम्पोर्ट टू द परफॉर्मेंस, कि जो रिनेक्टर्स थे जिन्होंने उसको प्ले किया था उनका एक इसमें एजुकेशनल रोल था। एंड टू डिवेल्प देयर रोल्स, और वो अपना रोल को डिवेल्प कर रहे थे। एंड परस्यू आर्काइवल रिसर्च विद ए रेयर डेडिकेशन, और अपना जो रोल था उसको और इम्प्रूव करवा रहे थे, डिवेल्प करवा रहे थे उसमें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, सिविल वॉर इनेक्टमेंट्स आर इंक्रीजिंगली कमर्शियल, कि जो आपका सिविल वॉर था वो क्या हो रहा था, बहुत बड़े दर्जे पर बढ़ता जा रहा था, कमर्शियल। अब यहाँ पर देखो, आगे रीड करो पहले। With as many as 50,000 Americans routinely gathering at or near historical civil water battlefield in order to stage performance that purport to recreate the conflict, means क्या है कि जो आपका क्या था, जो सिविल वॉर रिनेक्टमेंट था वो क्या हो रहा था, आपका बहुत बड़े दर्जे पर पहुंच चुका था, जिसको क्या कर रहा था, देखने के लिए बहुत सारे जो थे 50,000 अमेरिकन थे वो वहां पर इकट्ठा हो रहे थे जहां पर वो स्टेज परफॉर्मेंस आपकी चल रही थी। सो यहां पर क्या आएगा, देखो, कमर्शियल। अब जो कमर्शियल है, यहां पर किसी भी पॉइंट्स की बात नहीं कही कि यहां पर कौन सा पॉइंट्स आपका। फिर उसके बाद आपका है कॉस्ट, यहां पर किसी कॉस्ट की बात नहीं है कि कौन सी कॉस्ट, क्या कीमत, यहां पर किसी अमाउंट की बात नहीं चल रही। स्पेक्टेकल्स, यहाँ पर आपके दो मीनिंग हैं, एक होता है आपका चश्मे वाला, एक आपको होता है कि बहुत बढ़िया नज़ारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, वो होता है एरियाज। अब यहाँ पे एरियाज की बात नहीं है, एरियाज में आपका आता है कि कोई भी ऐसा एरिया, यहाँ पर तो बैटल फील्ड्स की बात चल रही है। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आगे रीड करो यहाँ से। आई विल शो हाउ थ्रेटिकल इशूज ऑफ ब्लैंक, कि जो आई विल शो, कि मैं शो कर सकता हूँ कि जो थ्रेटिकल इशूज थे ऑफ डैश अराइज, कि बढ़ रहे थे एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जैसे, इन सिविल वॉर रिनेक्टमेंट कम्युनिटी बाय प्रजेंटिंग माई ओन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द 2006। अब यहाँ पर देखो, आई विल शो, कि मैं शो कर सकता हूँ कि हाउ थ्रेटिकल इशूज ऑफ, अब यहाँ पे देखो ब्लैंक के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है कि वेलोसिटी का यहाँ पर कोई भी चीज़ वेग आप इसमें बताओगे। नेक्स्ट आपका है ऑथेंटिसिटी, ये मे भी आपका हो सकता है, इसका मीन्स होता है कि मैं साबित प्रमाणिकता कर सकता हूँ, सत्यता इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका एबिलिटी, यहाँ पर इश्यूज़ की एबिलिटी को हम नहीं मैच करेंगे। नेक्स्ट है इश्यूज़ की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर उन्होंने अराइज दे रखा कि वो बढ़ रहे थे पहले, तो इंटेंसिटी भी आपका नहीं आएगा। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी।
नेक्स्ट रीड करो नेक्स्ट लाइन. बाय प्रेजेंटिंग माई ओन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द 2006 गेटिसबर्ग रिनेक्टमेंट एंड बाय, बाय के बाद ब्लैंक है, यहाँ से रीड करो. ऑन ए नंबर ऑफ टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स. अब बाय के बाद देखो यहाँ पर आया वर्ड आया आपका ओन, सो एक्सरसाइजिंग ओन आपका नहीं होगा. उसके बाद आपका है रिसर्चिंग ओन. यहाँ पर क्या है कि वो शो कर रहा है किसे, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से, माय ओन ऑब्जर्वेशन. और क्या कर रहा है तो रिसर्च यहाँ पर नहीं आएगी, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी कि उसने ऑब्जर्व किया था. फिर आपका बिल्डिंग, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बना रहा, यहाँ पर किसी बिल्डिंग की बात नहीं चल रही, किसी चीज़ को नहीं बना रहा. यहाँ पर आएगा आपका रिलाइंग. रिलाइंग का मीन्स होता है आपका डिपेंडेंट. सो आपको होता है डिपेंडेंट ऑन, बाय डिपेंडिंग ऑन. सो बाय रिलाइंग ऑन ए नंबर ऑफ टैक्स प्रोड्यूस बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स, कि इन सभी के जो टैक्स है उनको ध्यान में रखकर मैं क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि रिनेक्टमेंट में कैसे जो इशू थे आपके वो अराइज हुए हैं. सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा रिलाइंग. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, रीड करो सबसे पहले इसको. वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स प्रोडक्ट टू सेल, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल करती है, बेचती है. इट मस्ट देन, कि मस्ट देन टोल, ये आपके ऑप्शंस हैं, टोल रेट, डिटरमाइन, फैब्रिकेट, फैंसी द एप्रोप्रिएट प्राइस टू सेल इट एट, कि जब भी कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो उसके बाद इट मस्ट देन, कि क्या जरूरी है, अप्रोप्रिएट प्राइस टू सेल इट एट, अप्रोप्रिएट प्राइस उसका होना चाहिए. तो यहाँ पर देखो टोल रेट आपका ब्लैंक नहीं आएगा, टोल रेट का मीन्स होता है सहन करना. उसके बाद डिटरमिन आपका हो सकता है डिसीजन लेना. फैब्रिकेट आपका होता है कि कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देना. उसके बाद आपका फैंसी, जो आजकल आपका ट्रेंड में हो. सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा डिटरमिन. डिटरमिन का मीन्स होता है कोई भी ऑफिशियल तौर पे डिसीजन लेना, वो होता है आपका डिटरमिन. नेक्स्ट रीड करो. द प्राइस इज सेट बाय, कि जो प्राइस है वो सेट किया जाता है बाय किस चीज़ से, मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट, कंपटीशन, परसीव्ड वैल्यू एंड मार्केट बिहेवियर, कि इन सभी को जो ध्यान में रख के जो आपका क्या है प्राइस को सेट किया जाता है. सो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सबसे पहले कंपेयरिंग, हम इन सभी फैक्टर को कंपेयर नहीं करते कि कौन सा फैक्टर हमारा ज़्यादा इसमें वैल्यू रखता है. सो ये ऑप्शन नहीं आएगा. नेक्स्ट आपका है बी गेटिंग. बी गेटिंग का मीन्स होता है आपका कि कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो. सो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे. आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बैलेंसिंग. अब बैलेंसिंग मीन्स क्या होता है कि आप बैलेंस करके देख रहे हो कि ये चीज़ें इसमें हम डाल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ इसका प्राइस हो सकता है, ये मे भी आपका आंसर हो सकता है. नेक्स्ट आपका है ऑफ सेटिंग. ऑफ सेटिंग में होता है कि आप उसके पॉजिटिव साइड भी रख रहे हो और उसके नेगेटिव साइड भी रख रहे हो. सही ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा. सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका बैलेंसिंग, कि मीन्स द प्राइस इज सेट बाय बैलेंसिंग मैनी फैक्टर्स, कि इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपका जो प्राइस है वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है, रखा जाता है. नेक्स्ट है, यहाँ से रीड करो. अल्टीमेटली द फाइनल प्राइस इज डिटरमिंड बाय व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू डैश फॉर द प्रोडक्ट, कि जो फाइनल प्राइस है वो क्या किया जाता है, ये ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है कि जो मार्केट है वो क्या चाहती है, willing to कि क्या उस प्रोडक्ट के बदले में वो दे सकती है फॉर द प्रोडक्ट. सो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो देखो, कंसाइन आपका होता है कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, उसको बहुत दूर भेज देना अपने से कि उस चीज़ किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना. अब डिज़ाइन तो वो पहले ही प्रोडक्ट को बना चुके हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन आपका नहीं आएगा. नेक्स्ट आपका है एक्सचेंज. एक्सचेंज का मीन्स होता है कि किसी चीज़ के बदले में. फिर यहाँ पर है प्रिपेयर आपका होता है किसी चीज़ को रेडी करना. सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो हमारा वो आएगा कि जो मार्केट है वो आपकी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में क्या देना चाहती है यहाँ पर. सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा
वो आएगा हमारा एक्सचेंज। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ से रीड करते हैं। सो प्राइसिंग थ्योरी कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज सो मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, बहुत सारे जो फैक्टर हैं इसको प्रभावित करते हैं। व्हाट द परचेजर डिसाइड इज ए फेयर, कि जो परचेजर है वो क्या डिसाइड करता है इज ए फेयर। एडिशन, एडिशन नहीं आएगा यहाँ पर, हम कोई भी चीज़ को ऐड नहीं कर रहे। शेप, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को शेप नहीं दे रहे। कंटेंट, यहाँ पर हम कोई भी मटेरियल तैयार नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा हमारा वैल्यू, कि फेयर वैल्यू क्या होगी परचेजर के लिए इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट ऑल्सो शुड बी ब्लैंक दैट इन एडिशन टू मॉनेटरी एक्सचेंज, कि ये क्या होना चाहिए, इन एडिशन टू मॉनेटरी एक्सचेंज। मॉनेटरी एक्सचेंज मीन्स आपका होता है मनी के एक्सचेंज में, पैसे के बदले में। प्राइस कैन बी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ए बार्टर अग्रीमेंट, कि जो बार्टर अग्रीमेंट था उसमें था कि जो प्राइस होगा ना वो आपका प्रोडक्ट के जो गुड्स होते हैं आपके उसके एक्सचेंज में होना चाहिए, उसकी जो मनी होनी चाहिए वो वर्थ होनी चाहिए। और एन एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए, जैसे सच एज ए वोट इन ए पॉलिटिकल कैंपेन, कि वोट का होता है जब आपका पॉलिटिकल में वोट का होता है मीन। सो यहाँ पर क्या आएगा, इट शुड बी पॉइंटेड, हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आपका एनलार्ज्ड, हमें किसी भी चीज़ को बढ़ाना नहीं है, बढ़ावा नहीं देना। ओवररेटेड, ओवररेटेड का मीन्स होता है आपका घमंडी, सो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा नोटेड, कि इट शुड बी नोटेड, कि इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए कि इन जो मॉनेटरी एक्सचेंज है वो गुड्स में क्या प्रोवाइड करेगा आपके पैसे के बदले में। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। इट इज टेम्प्टिंग टू ट्राई टू प्रूव दैट गुड लुक्स विन वोट्स, कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है कि जो गुड लुक्स हैं, जो अच्छे दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वोट को जीतते हैं, वो अच्छी वोटों से जीतते हैं। एंड मैनी एकेडेमिक्स हैव ट्राइड, और बहुत सारे जो एकेडेमिक्स थे, मतलब यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे, वो इसको ट्राई कर चुके हैं। फिर यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। द ब्लैंक प्रिंसिपल आइडिया डिफिकल्टी एंड कॉन्सेप्ट इज दैट ब्यूटी इन द आई ऑफ द डैश पीपल बिहोल्डर बिल्डर एंड ऑडियंस। अब यहाँ से देखो द, अब प्रिंसिपल यहाँ पर किसी भी सिद्धांत की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गया। फिर आपका है आइडिया, आइडिया यहाँ पर हम किसी को कोई भी अपना आइडिया नहीं दे रहे, किसी ने हमसे सुझाव नहीं मांगा हमारा अपना। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट, कोई भी हम कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, कि हमने इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, हम कोई कंसेप्ट नहीं बना रहे हम। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा आपका, डिफिकल्टी, द डिफिकल्टी इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द डैश पीपल बिहोल्डर बिल्डर ऑडियंस एंड यू कैन नॉट बिहोल्ड ए पॉलिटिशियंस फेस विदाउट ए वेल। अब यहाँ पे देखो एंड यू कैन नॉट बिहोल्ड, अब यहाँ पर उन्होंने हिंट दे दी, यहाँ पर हमसे क्या वर्ड मैच कर रहा है, यहाँ पर बी होल्डर, कि जो आपको लीड कर रहा है उसकी आंखों में ब्यूटी होना आपके लिए मैटर करता है। अब पीपल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, सो पीपल तो आम लोग हो गए। बिल्डर, कोई बनाने वाला यहाँ पर कोई बिल्डर नहीं है, किसी बिल्डिंग की बात नहीं है। ऑडियंस, ऑडियंस में हम ही हैं, सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, बी होल्डर, बी होल्डर, कि इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर एंड यू कैन नॉट बीहोल्ड ए पॉलिटिशियंस फेस विदाउट ए वेल ऑफ एक्सट्रेनियस प्रीजस्टिस गेटिंग इन द वे। अब हम क्या कर देते हैं कि जो भी आपका पॉलिटिशियंस होता है, सिर्फ उसके जो फेस है, उसकी जो बाहर वाली ब्यूटी है, उसको देख कर ही हम उसको आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा होगा, और उसको हम अपना क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं। ये मीनिंग है इस लाइन का। नेक्स्ट है, डज जॉर्ज बुश पोजेसिस ए डिसआर्मिंग ग्रीन और ए फेसियस
ब्लैंक स्मेल कॉम्प्लेक्शन स्मिरिक एंड बिंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो जॉर्ज बुश हैं कि क्या कभी उनके माथे पर आपने कोई भी स्किन देखी है, सिकन देखी है उनके माथे पर, और ए फेस्टियस स्मेल, अब फेसियस की स्मेल नहीं आएगी यहाँ पर, कोई भी स्मेल आपका वो नहीं होता। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लेक्शन, यहाँ पर किसी भी वाइट और ब्लैक पर्सन की बात हमने नहीं किया कि ये डार्क है ये वाइट है। फिर नेक्स्ट हमारा है बिंगे, बिंग मीन्स होता कि आपका किसी भी एक्टिविटी में जो रॉन्ग एक्टिविटी है उसमें आपका इंडल्ज हो जाना, जैसे आप ड्रिंकिंग में चले जाओ, ड्राइविंग करो, ये आपका होता है बिंगे, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका स्मिरिक, मतलब क्या होता है कि एक नकली हंसी अपने फेस पर ऑलवेज वो क्या करते हैं, रखते हैं। नेक्स्ट आपका है इट इज़ हार्ड टू फाइंड एनी वन हु कैन लुक एट द प्रेजिडेंट विदाउट असेसिंग हिम पोलिटिकली एज वेल एज। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत मुश्किल है कि हु कैन लुक एट द प्रेजिडेंट, कि हम ऐसे प्रेजिडेंट को देखते हैं जिसमें क्या हो, पोलिटिकल भी होता है वो एज वेल एज, अब कल्चरली यहाँ पर एक पोलिटिशियन की बात है तो यहाँ पर कल्चर की कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। फिर आपका फिजिकली मे भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर ब्यूटी की बात है। फिर आपका इकोनॉमिकली, किसी भी पैसे की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हम। फिर आपका इंडिविजुअली, हम किसी भी अलग अलग पर्सन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा फिजिकली, कि जो आपका प्रेजिडेंट है उसमें वो पॉलिटिकली भी गुड होता है और एज वेल एज दिखने में फिजिकली भी वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।